Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji Alisha, Kiza, Hamdan, Numan, Shazib. Kya hal hai aapke? Theek thaak hain? Weekend theek ho gaya? Test theek ho gaya? अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास तक आई बिलीव पढ़ लिया था जो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसके हवाले से, और हमने टाइप्स ऑफ गुड्स के हवाले से हमने देख लिया था, उसको स्टडी कर लिया था. ऐसे ऐसा ही है. आज के दिन का हमारा टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है, उसमें प्राइस कलेक्शन कर ICAP इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ICC इनकम कंजम्पशन कर्व. प्राइस कंजम्पशन कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकी डिस्कशन आज के लिए, आज के दिन हम देखेंगे. हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है जो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हमें बताया गया कि जहां जब कभी भी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आप एक इंडिफरेंस कर्व और एक बजट लाइन को ही आपको चाहिए, और बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंसी जो होगी, बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंसी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. दिस मच वाई एंड दिस मच एक्स विल गिव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. इक्विलिब्रियम की हमने जो बात की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये तो पता है आप, इसके अंदर तो किसी को मुश्किल नहीं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हवाले से जो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की टेंडेंसी है, उस पॉइंट के ऊपर वो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गिव करेगा. उसकी हमने देख लिया था कि ईपी मार्जिन इक्विटी और वो सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हुए हैं, और हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हुए हैं कि जब आप हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है और वो बजट लाइन के साथ टेंजेंट है, तो वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. ऋषभ पिता हमदान नुमान शादेव, क्लियर है कि किसी को कोई इस पॉइंट पे तो इशू नहीं है? मैंने नहीं, चलिए आप वो कह रहे हैं आपके, ये बात तो आपकी हम मान लेते हैं, ठीक हो गया. लेकिन अगर कोई फर्क आ रहा है प्राइस के अंदर, फर्क आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस में किसी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर फर्क आ गया, प्राइस चेंज आ जाती है, कोई इनकम चेंज आ जाती है, तो उससे आपकी इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ये जो इक्विलिब्रियम आपने यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला था, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसको देखने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमने बजट लाइन के अंदर पढ़े थे,
प्रोडक्ट लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या पड़े प्रोडक्ट लाइन में हमने लिखा था फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक क्रिएट करने अब यहाँ पर प्राइस एंड प्रैक्टिस टेक्निकल बीसीसी प्राइस कलेक्शन तो उसको देखते हैं तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर फर्क आएगा जी आवाज आ रही है ना एग्जाम्पल अब हम जो बिल्ड कर रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर हमें कुछ चीजें चाहिए जो भी देखनी है कि जनाब हमारी एग्जाम्पल में हम वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हम ये बात कर रहे हैं रिड्यूस हो गई प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो गई है एंड एंड एक्स एंड वाई प्रोडक्ट्स आर नॉर्मल प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट इरेलेवेंट नॉर्मल जो हमने प्रोडक्ट की बात पढ़ी थी कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाएगी तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप था ये हमने नॉर्मल प्रोडक्ट के हवाले से पढ़ा था पिछले लेक्चर की याददाश्त होना जरूरी है इसको समझने के लिए जी क्लियर है क्योंकि मेरा ख्याल है आप मौजूद थे सब जो इसको क्लास में मौजूद है पिछले लेक्चर में मौजूद थे सैटरडे वाले लेक्चर में क्लियर अच्छा दो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं और प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो गई है जब प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हुई है और दोनों नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं तो फर्क अब हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा हाउ आवर इक्विलिब्रियम शुड बिहेव प्रोडक्ट लाइन इनिशियल प्रोडक्ट लाइन थी फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर इनिशियल प्रोडक्ट लाइन This is our initial product line. Our price of X reduced हुई है. Price of X reduced हुई है. Price of X reduced होती है तो product line कहाँ से कहाँ पे move करती है. Price of X अगर reduced होती है तो product line का के ऊपर क्या impact करना चाहिए? बजट लाइन को आउटवर्ड शिफ्ट करना चाहिए रीजन कि अब आपकी लिमिटेड रिसोर्स जो आपकी इनकम थी उस इनकम में ज्यादा एक्स की प्रोडक्ट आप परचेज कर पा रहे हैं आपकी बजट लाइन मूव करेगी वाई भी उसी जगह पे रहेगी एक्स के ऊपर मूव कर देगी वाई भी बजट लाइन वाई के उसी पॉइंट के ऊपर नहीं रहेगी एक्स के पॉइंट के ऊपर मूव कर देगी For example, this is our budget line increase. Price of X reduce होने की वजह से अब हम हमारी budget line में इस तरह से इजाफा है X1 से अब X2 तक हम चलेंगे budget line rightward shift होगी इससे हमारे equilibrium पे क्या फर्क पड़ा equilibrium पे graph अगर equilibrium पहले equilibrium था इधर This was the equilibrium, for example, Y1. So, equilibrium पे X3 यहाँ पर Y1 के ऊपर Y axis के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा Y axis पे क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क पड़ेगा क्योंकि प्राइस सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्स की चेंज हुई है हमने प्राइस जो रिड्यूस हुई है एक्स की हुई है इस वजह से लोग क्या करेंगे उन्होंने अपनी जो इनकम है उसके अंदर से ज्यादा पोर्शन अब एक्स के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया आपकी वाई के ऊपर उतनी ही क्वांटिटी वाई की उतनी ही क्वांटिटी भी एक्स के ऊपर चलेगी एक्स की क्वांटिटी में इजाफा कर दिया क्यों इजाफा कर दिया क्योंकि ये इररिलेवेंट नॉर्मल गुड्स थी ये एसी और बटर का कंपैरिजन है फॉर एग्जांपल
कि एसी की अगर प्राइस रिड्यूस हुई है तो एसी के ऊपर ही लोग आप एसी के ऊपर लोग ज्यादा खर्चा करना शुरू कर देंगे क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी कंजम्पशन बढ़ाएंगे। लेकिन एसी की प्राइस कम होने से बटर की डिमांड के ऊपर कोई इजाफा होना या उसके अंदर कोई कमी होनी या उसके अंदर कोई चेंज आनी, कोई लॉजिकल समझ नहीं आती वो बात। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। ये एसी और बटर को अगर आप कंपेयर करें, एसी है एक तरफ और एक तरफ बटर है, तो फिर डेफिनेटली कंज्यूमर को वाय के ऊपर अपना स्पेंडिंग के फर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने वाय के ऊपर पहले स्पेंडिंग कर रहा था उतनी ही स्पेंडिंग करेगा। एक्स के ऊपर अलबत्ता उसकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एसी की प्राइस कम हुई है। एसी की प्राइस कम होने से उसको इंसेंटिव मिलेगा कि वो ज्यादा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो डिपेंड करता है, यहां पे एक जरूरी चीज जो हमने नोट की कि वो प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं, उन प्रोडक्ट्स का आपस में बिहेवियर किस तरह से है। यहां पे एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट्स नॉर्मल थी और इररेलेवेंट थी। सो दैट्स व्हाई जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज हुआ, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होने में एक प्रोडक्ट जिसकी प्राइस चेंज नहीं हुई उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी उतनी ही डिमांड रही जितनी फिर प्राइस चेंज होने से पहले डिमांड थी। उसकी डिमांड के ऊपर, उसकी कंजम्पशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉर्मल गुड्स होने की वजह से, इररेलेवेंट गुड्स होने की वजह से। क्लियर? कोई इसमें मुश्किल तो नहीं? क्लियर है? चलो अब जब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, अब वही प्राइस पीसीसी की बात ही कर रहे हैं, लेकिन अब प्रोडक्ट फर्क है। अब प्राइस ऑफ एक्स दोबारा से प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हुई है, रिड्यूस हुई है और ये आवाज आ रही थी क्लियर? अच्छा, प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हुई है और प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जाम्पल सीएनजी, पेट्रोल, कोक, पेप्सी, चाय, कॉफी, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। एक सेम नीड को वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पूरा कर रही है। हमने जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की, सब्स्टिट्यूट गुड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब क्या होगा जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो इक्विलिब्रियम है उसके मामला के अंदर फर्क आएगा। प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हुई है, प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस होने का मतलब क्या है? बजट लाइन ला महला हमारी आउटर साइड के ऊपर मूव करेगी, बजट लाइन ने मूव कर दिया। जब बजट लाइन मूव करेगी तो ला महला हमारा प्राइस ऑफ एक्स की हमारी जो बातें वो तो समझ आ गई सर। एक्स एंड वाई इनिशियल जो इक्विलिब्रियम था, इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज देयर समथिंग लाइक इन डिफरेंस कर्व, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, वाई वन एंड एक्स वन, ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी, इनिशियल कॉम्बिनेशन था जिसपे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर था। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है कि आप एक प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो अब आपकी इंडिफरेंस कर्व मूव करके यहां पर चलेगी आपकी y2 एंड x2, x2 एंड y2। अब देखिए y के ऊपर कंजम्पशन, y की कंजम्पशन बिल्कुल ठीक कह रही थी, सीधा
कि वाई की कंजम्पशन कम हो जाएगी, अब वाई की कंजम्पशन वाई टू के ऊपर चलेगी, रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी, क्यों रिड्यूस हुई? क्योंकि अब लोगों को लोग शिफ्ट कर जाएंगे एक्स के ऊपर। क्यों एक्स पे शिफ्ट कर देंगे? क्योंकि अब एक्स रिलेटिवली सस्ता लगेगा। इसकी एग्जांपल, अगर वाई था पेट्रोल और एक्स था सीएनजी, तो क्या हुआ? सीएनजी के प्राइस कम होने से लोग कहेंगे यार घूमते, पहले तो मैं बर्दाश्त कर लेता थी कि पेट्रोल चलो आपका इंजन बचा रहता है, आपकी कैपेसिटी जो होती है वो ठीक रहती है, आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता, मेंटेनेंस कॉस्ट कम सी है, वो आपकी सीएनजी की निस्बत कम है। लेकिन अब जो प्राइस चेंज हुई है, सीएनजी की प्राइस रिड्यूस हुई है, उससे वो जो मुझे बेनिफिट नजर आता था यहाँ पे अपनी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके अंदर, वो बेनिफिट खत्म हो गया। तो बहुत सारे लोग will shift towards CNG rather than using petrol, rather than consuming petrol, they will move on to consuming CNG. इसी तरह से example चाय और कॉफी की है। अगर कॉफी चाय की प्राइस कम हो जाए, चाय की प्राइस पहले एक सर्टन प्राइस थी 20 रुपए या 30 रुपए का कप था, वो अब 10 रुपए का कप हो गया, तो जो लोग कॉफी पीते थे वो कहेंगे अच्छा यार 10 रुपए का कप है, हाँ हाँ मैं काफी के ऊपर 100 रुपए का खर्चा करता हूँ, एक कप 100 रुपए का आता है, 10 रुपए का काफी का चाय का कप आ जाता है, तो मैं अब चाय पीना शुरू कर देता हूँ। पहले 30 रुपए का आता था, मैं 30 रुपए और 100 रुपए के दरमियान में कहता था कि यार इतना फर्क नहीं है, 70 रुपए का चलो है नहीं इतना बंदा बना, लेकिन 10 रुपए और 100 रुपए के दरमियान में तो मतलब 10 टाइम्स फर्क बन जाता है, तो वो तो बहुत नाकाबिल बर्दाश्त वाली बात बन जाती। तो अब ज्यादा बेहतर बात यही है कि मैं चाय पीना शुरू कर देता हूँ। कुछ लोग शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ लोग फिर भी रहेंगे, कॉफी कंज्यूम करते रहेंगे, कुछ लॉयल जो कंज्यूमर है वो कहेंगे नहीं हम तो फिर भी अभी कॉफी हमें अभी भी 10 रुपए में चाय भी मिल रही है, लेकिन फिर भी वी विल प्रेफर कॉफी ओवर टी, तो बोल रहे हैं। कुछ लोग शिफ्ट कर जाएंगे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन कुछ लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, और जो शिफ्ट करेंगे उनकी रीजन क्या होगी कि अब उनको रिलेटिवली सस्ती लग रही है, रिलेटिवली सस्ती लगेगी। पहले अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल और सीएनजी की एग्जांपल देखें, पेट्रोल और सीएनजी अगर पहले प्राइसेस थी, पेट्रोल था 100 और सीएनजी की 50, तो एक सर्टन लोगों ने आपस में एक कंपैरिजन किया था और उसकी बेस के ऊपर कुछ लोग सीएनजी के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ लोग अभी तक 100 पेट्रोल को ही यूज कर रहे हैं। अब अगर सीएनजी की प्राइस गिरती है, पेट्रोल की प्राइस सेम रहती है, सीएनजी की प्राइस फॉर एग्जांपल 30 हो जाती है, तो लामहाला जो कुछ लोगों ने यहां पर कंपैरिजन करने के बावजूद पेट्रोल को पसंद किया था, वो कुछ ना कुछ अब रिलेटिव प्राइस क्या किया, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, इन दोनों को पहले आपस में कंपेयर किया, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, रिलेटिव प्राइस, तो रिलेटिवली चीपर लगेगा ये फिर पेट्रोल की निस्बत, तो वो फिर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा, हमने यहाँ पे देखा कि कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी कंजम्पशन के अंदर प्रोडक्ट को, इफ दे फील कि जी के जो प्रोडक्ट है वो सस्ती हो गई है, या दूसरी तरफ अगर वाइस वर्सा, इसी एग्जांपल से हम वाइस वर्सा कि प्राइस इंक्रीज हो जाए, सीएनजी की प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो पहले हमारा इनिशियल बजट लाइन यहां पे होती, सीएनजी की प्राइस इंक्रीज हो जाती तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाती इनर साइड के ऊपर, ऐसा ही है यार, नॉक नॉक जी। तो सीएनजी की प्राइस इंक्रीज होने से बजट लाइन हमारी इनर साइड के ऊपर मूव करती, उससे क्या होता कि आपका इनिशियल जो वायर टू के ऊपर लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार 100 फर्क ठीक था, लेकिन 150 अब सीएनजी बढ़ गई है, तो
तो वो लोग कन्वर्ट कर जाते हैं बायोमास के ऊपर, अब वो सीएनजी को छोड़ के पेट्रोल के ऊपर चले जाते हैं, उनको वहां पे ये सीएनजी निष्पत्तन महंगी लगनी शुरू हो जाती है तो वो उस पर चले जाते हैं। इस वजह से आपकी इंडिफरेंस कर्व के जरिए से ये आपका आपका ये कॉम्बिनेशन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बताता है। क्लियर है? एक ही एग्जांपल से हमने दोनों चीजें समझ ली कि प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस रिड्यूस हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई मुश्किल तो नहीं इसमें? नो मुश्किल। चलो अच्छा, और इसी तरह से अगर वो प्रोडक्ट्स कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, नो लेयर, नो सर। चलो गुड, अब क्या होगा? फिर वही प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हुई है, प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस होने से क्या फर्क पड़ता था? ये बजट लाइन थी, अब बजट लाइन एक्स वाई के ऊपर तो वही रहेगी, एक्स के ऊपर लगातार बजट लाइन शिफ्ट करेगी, बजट लाइन शिफ्ट की, एक्स की क्वांटिटी के ऊपर हमारी प्रोडक्ट अब ज्यादा परचेज की जा सकती है, और दूसरी जानेब इक्विलिब्रियम का इंपैक्ट क्या आएगा? इक्विलिब्रियम पे इंपैक्ट आएगा क्या है यार, क्या इंपैक्ट आएगा जी? सारे समय तक बैठे हैं इंडिफरेंस कर्व वन and then we have indifference curve 2. आपकी this was x1, this was x2, this was y1, this was y2. दोनों products में इजाफा हुआ, बहुत इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि डेफिनेटली जब हमने कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट में पढ़ी थी वो कौन सी थी? बैट एंड बॉल, पेन एंड इंक, सीएनजी एंड सीएनजी किट, मोबाइल सिम्स एंड मोबाइल सेट्स। तो वो जब एक की डिमांड में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली उसकी वजह से दूसरे की डिमांड में भी इजाफा होगा। तो हमें ये समझ आए कि प्राइस कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व विल इफेक्ट ऑन बोथ द प्रोडक्ट, वो दोनों प्रोडक्ट्स में इफेक्ट करेगी, और इसकी वजह से वी विल हैव अ 45°. दिस इज आवर प्राइस कंजम्पशन कर्व। जो हम प्राइस कंजम्पशन कर्व की बात कर रहे हैं, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व विल मूव लाइक दिस। जैसे जैसे आपकी प्राइस रिड्यूस होती जा रही है, एक प्रोडक्ट की दूसरी प्रोडक्ट की भी इंक्रीज होती जाएगी, कंजम्पशन दोनों की इंक्रीज होगी, और जो आपकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है यहाँ पे प्राइस कंजम्पशन कर्व की कंडीशन कैसी है? यहाँ पे प्राइस कंजम्पशन कर्व की कंडीशन ऐसी है ना, पी सी सी, ये रिड्यूस होती जा रही है, जिस तरफ जिसकी प्राइस रिड्यूस होती जा रही है उस तरफ वो मूव करती जा रही है, प्राइस कंजम्पशन कर्व उस साइड पे मूव करती जा रही है। और नॉर्मल ग्रोथ के सिस्टम में किस तरह से है? पीसीसी। नॉर्मल ग्रोथ के सिस्टम में ये पीसीसी है, दिस इज पीसीसी। प्राइस कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन जो बाय वाला है, ये रेलिवेंट गुड है, बटर और एसी तो उन दोनों के दरमियान में कोई फर्क नहीं है, तो वो उसकी जैसे जैसे प्राइस जिस प्रोडक्ट की रिड्यूस होती जा रही है उसके अंदर का पार्ट दूसरे के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है जी? कोई मुश्किल तो नहीं? कोई मुश्किल नहीं जी।
इसको मैं अगर थोड़ा सा किताब से देख रहा हूं, पीसीसी को सिर्फ अभी हम देखते हैं, आईसीसी को फिर भी देखते हैं। ये बीसीसी है यूजिंग द बजट लाइन, यहां पे उसने हमें बताया इंडिफरेंस कर्व का अंदर फर्क और ये वो बताते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसको हम बाद में देखते हैं। ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये कंफ्यूज करता है बच्चों, कहते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि कंजम्पशन आपकी हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये दिस इज दी, ये सिर्फ मैं जाना चाह रहा था कि ये कंफ्यूज ना करें आपको कि ये किस तरह ऊपर चला गया। अनरिलेटेड गुड्स हैं, अनरिलेटेड गुड्स पीसीसी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं वहां पर पीसीसी 45 डिग्री के एंगल। अच्छा जी, ये यहां तक हमारा काम था, अब आ गया इनकम पर। अगर तो दोनों नॉर्मल ग्रोथ हैं, दोनों नॉर्मल ग्रोथ हैं तो इनकम में चेंज क्या होगा? अब चेंज प्राइस इनकम इंक्रीज, हम ये समझ रहे हैं, ये जो एग्जांपल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, इनकम इंक्रीज एंड वाई एंड एक्स आर नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल और इंफीरियर हमने पढ़ा था। इनकम के साथ हमें इंफीरियर गुड्स का और नॉर्मल गुड्स का कॉन्सेप्ट है, तो नॉर्मल गुड्स हैं, इंफीरियर नहीं है कोई भी, नॉर्मल गुड्स हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, नॉर्मल गुड्स हैं दोनों। अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो डेफिनेटली कोई उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है। इनकम में इजाफा होगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? इनकम में इजाफे से हमने इनकम में चेंज से बजट टाइम के अंदर क्या फर्क आता था? पैरेलल शिफ्ट हो जाती थी, पैरेलल शिफ्ट हो जाती बजट लाइन, पैरेलल शिफ्ट होती थी, तो एक्स एंड वाई के ऊपर बजट लाइन विल मूव पैरेलल। अब इनकम में इजाफा हुआ है तो डेफिनेटली वाई की भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, तो एक्स की भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज की जा सकती है, उससे हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसमें भी इक्विलिब्रियम 45 डिग्री के एंगल पर बाहर निकलेगा। आईसी वन एंड आईसी this was x1, this was y1, this is x2, this is y2. इररिलेवेंट गुड है, नॉर्मल गुड है, तो दोनों के ऊपर आपने जो कंजम्पशन है उसके अंदर कंज्यूमर इजाफा कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एसी और बटर की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब एसी और बटर की बात हो रही है तो उसकी पहले इनकम थी 100 रुपीज, तो सर्टन पोर्शन वो एसी के ऊपर खर्च करता था और सर्टन पोर्शन वो बटर के ऊपर खर्च करता था, ऐसे ही ना। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, अब वो 200 रुपीज कंज्यूमर की इनकम चली गई, तो 200 रुपीज के ऊपर अब वो बटर के अंदर भी इजाफा कर देगा कंजम्पशन के अंदर और एसी की कंजम्पशन के अंदर भी इजाफा कर देगा।
करेगा कि नहीं करेगा। अभी क्योंकि दोनों गुड्स नॉर्मल है इररेलेवेंट है, तो इस वजह से कोई किसी के अंदर इजाफा काम, किसी के अंदर इजाफा ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अपनी इनकम कंजम्पशन कर्व को चेंज किया है, क्योंकि इररेलेवेंट नॉर्मल गुड्स है। अब काजी के नॉर्मल नहीं इंफीरियर के अंदर है। एग्जाम्पल में कहता है कि आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज हुई है एंड प्रोडक्ट एक्स इज इंफीरियर, प्रोडक्ट एक्स इंफीरियर है। इंफीरियर गुड की हमने क्या बात समझी थी, पढ़ी थी कि इंफीरियर गुड हम उस गुड को कहते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कहते हैं यार अच्छा है, गरीबा का खाना है नहीं, मनो अमीरा का खाना दे। आप अपनी कंजम्पशन सुपीरियर गुड्स के ऊपर, नॉर्मल गुड्स के ऊपर ज्यादा कर देते हैं। इंफीरियर गुड्स के ऊपर जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उनकी कंजम्पशन को कम कर देते हैं। हमने एग्जाम्पल देखी थी बीफ एंड मटन की, बीफ एंड मटन के जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, मैं तो यार मटन ही पता हूं, आई ओनली चेक मटन, इट हैज लेस कोलेस्ट्रॉल एंड लेस प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एंड दैट, रेड मीट ऑल्दो इट्स अ रेड मीट बट इट इज मोर हाइजेनिक एंड दिस। तो वो आपकी किस बिहेवियर के ऊपर, इनकम बढ़ने से, इनकम बढ़ने से आपने उसको उसमें इजाफा किया। अब क्या फर्क पड़ेगा यहां पे देखें, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, एंड प्रोडक्ट एक्स को हमने कहा कि इंफीरियर, प्रोडक्ट एक्स को कहा हमने इंफीरियर है, इंफीरियर प्रोडक्ट है। इसके ऊपर लोगों का इतना इनकम की स्पेंडिंग के अंदर इतना दिल नहीं जाता, इनकम में इजाफा हुआ, इनकम में इजाफे की वजह से हमारा बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट कर गई, आउटसाइड के ऊपर पैरेलल शिफ्ट कर गई, तो अब क्या हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ा, हमारा इक्विलिब्रियम कैसे बिहेव करेगा। इफ दिस इज आवर इक्विलिब्रियम वन आई सी वन, दैट मीन्स के हमारा एक्स वन एंड वाई वन। अब कंज्यूमर ने इनकम बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ने क्या करना है, अपनी एक्स वन की कंजम्पशन को कम करना है, दिस इज आवर आई सी टू। दिस इज आवर एक्स टू एंड दिस इज आवर फाइव। इनकम कंजम्पशन का किसका मूव कर रहा है, ICC is moving towards the normal product, superior product, normal product की तरफ move कर रहा है। ICC लोग shift करेंगे, लोग छोड़ देंगे consumption को inferior product की ओर, ज्यादा product, ज्यादा लोगों की consumption, ज्यादा तवज्जो superior या normal goods की तरफ चली जाएगी। तो आपका ICC will shift towards, एक tendency दिखाएगा towards your नॉर्मल प्रोडक्ट, उसके बाद इसी तरह से अगर आपसे कहा जाएगी प्रोडक्ट वाई इज इंफीरियर, इनकम में इजाफा हुआ है और प्रोडक्ट वाई इज इंफीरियर, इनकम इंक्रीज एंड प्रोडक्ट वाई इज इंफीरियर। अब क्या होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से फर्क होगी, बाकी हमारा कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले देखा हुआ। दिस इज आवर बजट टाइम, ये शिफ्ट कर गई,
पैरेलल शिफ्ट की, हमारी दिस एक्स एंड वाई को हमने कहा है कि ये इंटीरियर है, वाई इज इंटीरियर प्रोडक्ट। जब वाई इंटीरियर प्रोडक्ट है तो हमारा इक्विलिब्रियम आईसीसी ने मूव करना है टूवर्ड्स एक्स, दिस इज आर सी वन, ये वाई वन, ये एक्स वन, और यहां पे हमारा आई सी टू, ये वाई टू, ये एक्स टू, और आई सी सी हमारा मूव कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्मल प्रोडक्ट और सुपीरियर प्रोडक्ट। कोई मुश्किल परेशानी मसला बताए मोर्चा। अच्छा ये तो हमारी बातें आ गई आईसीसी और पीसीसी की, आईसीसी एंड पीसीसी की जो बातें थी वो सारी हमने कर ली। उसके अंदर कोई मुश्किल अगर आए तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखना चाह रहे हैं प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आपकी प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट में हमारा जब भी आपकी किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज की जाती है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने की वजह से जो डिमांड में या जो कंजम्पशन में इफेक्ट आता है, कंजम्पशन में जो इफेक्ट आता है उसकी दो वजूहत होती है। वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड अदर इज इनकम इफेक्ट। अब आप कह सकते हैं सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, एक तो आप यहां पे बात कर रहे हैं, पहले आप बात कर रहे हैं प्राइस इफेक्ट और फिर आप उसके अंदर इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, कह सकते हैं ना। प्राइस इफेक्ट से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की तो हमें समझ आ गई, ये तो आपने बता दिया था, समझा दिया था कि ना जब प्राइस इफेक्ट होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, यहां पे आपने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की बात की और लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर कंजम्पशन चेंज कर लेते हैं, तो वो तो हमें समझ आ गई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कि लोगों को वो सस्ती लगनी शुरू हो जाती है और वो लोग जो है ना कुछ कंजम्पशन अपनी शिफ्ट कर लेते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की तो हमें समझ आती है। लेकिन ये जो इनकम इफेक्ट आप बात कर रहे हैं व्हाट इज दिस, ये जो इनकम इफेक्ट है व्हाई इट इज हियर, ये आप किस तरह से प्राइस इफेक्ट के अंदर आप इनकम इफेक्ट की बातें कर रहे हैं इसकी कुछ समझ नहीं है कि आगे ये मैं आपकी तरफ से खुद ही सवाल कर रहा हूं और आपकी तरफ से खुद ही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको इस इनकम इफेक्ट की समझ आ गई हो, लिखे फिजा हमदान नमाम शादे समझ आ गई है, आगे चले। अच्छा जी सर चल फिर तो बात नहीं समझ जी, ये जो इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं ये हम आईसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि जनाब जब कभी आपकी किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो उसकी कंजम्पशन को तब्दील करने की दो वजूहत होती हैं कंज्यूमर की, वो कंज्यूमर एक इस वजह से चेंज करता है कि वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के मुकाबले में निस्बतन उसको सस्ती लगती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाता है, दूसरा वो इस वजह से चेंज करता है कि इनकम इफेक्ट होता है,
इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट है एक शख्स है उसके पास 100,000 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल और वो शुगर परचेज करता है, आप वो 1,000 रुपीज उसकी इनकम है, ये चेंज नहीं हुई। शुगर की प्राइस थी फॉर एग्जाम्पल निचली शुगर की प्राइस थी ₹50, तो कितने केजी शुगर लेता था? हाउ मेनी केजी शुगर यू कैन बाय? फॉर एग्जाम्पल 20 केजी शुगर ले सकते, शुगर ले सकते। अब शुगर की प्राइस चेंज हो गई, जब शुगर की प्राइस चेंज हुई तो कुछ लोगों ने जो कैंडल यूज करते थे या गुड़ यूज करते थे या कोई और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज करते थे, डेफिनेटली प्राइस रिड्यूस हुई है। अब शुगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 25 रुपीज के अंदर अवेलेबल है, तो कुछ लोगों ने तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से अपनी कंजम्पशन शुगर भी बढ़ाई होगी और कुछ जो इजाफा होगा केजीज के अंदर देखें तो ये आप 40 केजी उसी इनकम के साथ जो उसके पास 1,000 रुपीज थे उस 1,000 रुपीज में से ये 40 केजी तक कंज्यूम कर सकता है। अगर 40 केजी लेगा तो फिर भी इसका सिर्फ 1,000 रुपया ही खर्च होगा। तो अब क्या हुआ है, ये जो 40 केजी इसने कंज्यूम किया है या 40 केजी तक खरीद सकता है तो उसके अंदर इसकी अपनी इनकम तो नहीं बढ़ी, अपनी इनकम तो नहीं बढ़ी, लेकिन इसकी इनकम से जो वो प्रोडक्ट परचेज कर पा सकता है उसके अंदर इजाफा, परचेजिंग पावर इंक्रीज करके, जी वो परचेजिंग पावर इंक्रीज करके उसी पैसों के से ये सिर्फ 20 केजी खरीद सकता था, अब प्राइस चेंज होने से अपने उन्हीं पैसों से ये 40 केजी तक परचेज कर सकता है। वो ही कंज्यूमर, ये सब्स्टिट्यूशन क्या नहीं आया, ये सब्स्टिट्यूट होके ये शुगर के ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ, ये वही कंज्यूमर था जो पहले भी शुगर खरीद रहा था अब भी शुगर खरीद रहा है। पहले हाई प्राइस थी 50 रुपए तो वो 20 केजी तक ले पाता था, अब प्राइस 25 रुपए हो गई है तो वो 40 केजी तक खरीद सकता है, उसके पास पावर बढ़ गई है। तो इनकम इफेक्ट लामहाला आता है प्राइस चेंज के अंदर भी एक इनकम इफेक्ट का एलिमेंट मौजूद होता है, प्राइस चेंज के अंदर भी, प्राइस इफेक्ट के अंदर भी एक इनकम इफेक्ट का एलिमेंट मौजूद होता है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमने देख लिया, हम सिर्फ इनकम इफेक्ट को मैं एक दफा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखना चाहता हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे फिर ज्यादा बेहतर आपने समझ आएंगे। हमने देखा था प्राइस चेंज के अंदर नॉर्मल गुड लॉ, तो प्राइस चेंज के अंदर क्या होता था, दिस वाज आवर रिटर्न टाइम, एक्स की प्राइस चेंज हो गई, रिटर्न टाइम शिफ्ट कर गई, ऐसे ही है इनिशियली दिस वाज रिटर्न टाइम और फिर वो प्राइस चेंज होने से रिटर्न टाइम शिफ्ट कर जाती है, फिर हमारा इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम आईसी मान, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है इधर एक्स प्रोडक्ट है, दोनों के अंदर नॉर्मल ग्रोथ है, हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। आईसीमान था, आईसीमान के ऊपर हमारे पास ये आ गया वाई वन एंड एक्स वन। अब प्राइस ऑफ एक्स चेंज हुई, इंडिफरेंस कर्व मूव्स लाइक दिस, आईसी टू पे चली, आईसी टू पे जाने से क्या आया एक्स टू वाई टू,
जी एक्स टू एंड वाई टू उसका इंपैक्ट आया। इसके अंदर इसको असल में थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला है, कल इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, कल इसको मजीद हम समझते हैं और पढ़ते हैं, इसके उनके डिस्कशन भी करनी है इसके साथ साथ, और टाइम थोड़ा सा हमारे पास वो देख रहा हूँ कि 5 मिनट ही रह गए, तो अभी हम इसको रोक लेते हैं। हमारा जो इनकम इफेक्ट है उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम कल देख लेते हैं, ठीक है। आज का दिन हम अभी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह बाकी चीजें उसकी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन है और फिर मजा आएगा जब हम बीच में छोड़ के चले जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल भी है, ठीक जी। चलें तो लेट्स कंक्लूड हियर, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह।